नंबर पर पहुंच चुका है। इंग्लैंड को पीछे छोड़कर हम पांचवे नंबर पर आए। मित्रों, हरियाणा के अंदर विश्व की लगभग 400 फॉर्च्यून कंपनियां अपना ऑफिस और कारोबार कर रही है। गुरुग्राम को सबसे बड़ा उद्योग का एक हब बनाने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। मैं मनोहर लाल जी को बहुत बहुत बधाइयां देने वाला हूं। 8 साल पहले निर्यात में हरियाणा 16वें नंबर पर था, 8 साल में निर्यात में 16वें नंबर से बढ़कर हरियाणा 7वें नंबर में आया है। और लैंडलॉक स्टेट का कर ले हिसाब किताब तो हरियाणा देश में दूसरे नंबर पर है। जिस राज्यों के पास बंदरगाह नहीं है, ऐसे राज्यों में हरियाणा का निर्यात दूसरे नंबर पर है। लगभग 1,60,000 नए उद्योग इस 8 साल में लगाने का काम मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने किया है। और मित्रों, एमएसएमई के रैंकिंग में हरियाणा देश में आज तीसरे नंबर पर बना हुआ है। और इनोवेशन इंडेक्स में नीति आयोग जो इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है उसमें भी हरियाणा तीसरे नंबर है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से 127 योजनाएं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की 56,257 करोड़ रुपया सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम हरियाणा ने किया है। और ये 8 साल में एक आने की भी रिश्वत लिए बगैर 98,000 लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम भी इस हरियाणा सरकार ने किया है। मित्रों, मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद राज्यों को कहा था वर्ग 3 और 4 में इंटरव्यू समाप्त कर दीजिए, मेरिट लिस्ट बनाकर उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे दीजिए। इसको सबसे पहले किसी ने अगर लागू किया तो हमारे मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के अंदर लागू करने का काम किया। ट्रांसफर में भी एक बहुत बड़ी ट्रांसफर इंडस्ट्री यहां चली करती थी, उसको ताला लगाने का काम किया है। बाकी सारी इंडस्ट्री लगाने का काम किया है, ट्रांसफर इंडस्ट्री के भ्रष्टाचार को ताला लगाने का काम हमारे मनोहर लाल जी ने किया है। इनके आने के बाद प्रदेश में 17 नए राष्ट्रीय राजमार्ग बने हैं। कृषि प्रधान देश, कृषि प्रधान राज्य, देश में एकमात्र राज्य ऐसा है जो एमएसपी पर 14 फसलों की खरीदी करता है। मित्रों, 14 फसलों की खरीदी करने वाला हमारा हरियाणा एकमात्र राज्य। क्रॉप पैटर्न चेंजिंग के लिए सब्सिडी देने वाला हरियाणा एकमात्र राज्य है। बागायती क्षेत्र बढ़ाने के लिए सब्सिडी देने वाला हरियाणा एकमात्र राज्य है। और सबसे बड़ी बधाई पूरी हरियाणा की जनता को मैं देना चाहता हूं कि हां, बेटियों की संख्या 1000 पर 870 थी, 17 थी, 817, 1000 बेटों के सामने 817 बेटियां थी। लिंग अनुपात बहुत गिरा हुआ था। तो बीजेपी की जन उत्थान रैली चल रही है, अमित शाह को आपने सुना।